आदेश आदेश आदेश। बात करते हैं इस सप्ताह की, तो 11 तारीख को वामन पूजा है, विष्णु के अवतार वामन जी की पूजा अर्चन ध्यान करने का दिन। 11 तारीख को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन इतनी जागरूकता आने के बाद भी बढ़ता जा रहा है। हाल ये थे 1972-73 की गिनती के हिसाब से हम लोग हिंदुस्तान की ही बात करें तो हम लोग सिर्फ 54 करोड़ थे, आज हम 136 करोड़ से ज्यादा हो गए। आप समझ सकते हो ये पूरे विश्व का माहौल इसी तरह चल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, कैसे जागरूकता लाया जाए, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। 11-12 तारीख की बात करें तो उस दिन चौमासी चौदस यानी चतुर्मास की चौदस है, यानी ये प्रक्रिया चालू होती है जैनों के अंदर चतुर्मास मनाने की। हर एक की चतुर्मास चालू हो जाएंगे, अब इनके व्रत पूजन अर्चन ध्यान ये सब अनुष्ठान करने के दिन चालू हो जाएंगे। उसी दिन वर्ल्ड मलाला डे है। मलाला तो आप जानते हो, जिसको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल चुका है, और मगर मलाला डे मनाना इसलिए तय हुआ कि स्त्रियों को कई जगह पे आज भी कुंठित रखा जाता है, अभ्यास नहीं कराया जाता है। मलाला डे के दिन अभ्यास के लिए स्त्रियों को उत्साहित करना और ये सब प्रक्रिया चालू है। उसी दिन नेशनल सिंप्लिसिटी डे है। सिंप्लिसिटी एक बहुत अच्छी चीज है, हमको अपनी प्रक्रिया में ही जीना चाहिए, साधारण जीना से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दिखावे में जीते हैं, हम ये देखते हैं कि बात पड़ोस वाले के घर में ये है तो हमारे यहां नहीं है, हमको ये रुतवा बनाना चाहिए, इस प्रकार जीना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंप्लिसिटी से जीवो, बहुत अच्छा रहता है। और यही कहना है, क्योंकि दिखावे के जीने में, आडंबर की जिंदगी में कई जगह पे हम बिना फिजूल के इतने खर्च कर देते हैं, ज्यादातर लोग लॉन्स और ये सब लेके तकलीफ में जीते हैं, ये ना हो इसके लिए ये दिन मनाना चालू किया है। वर्ल्ड पेपर बैग डे 2021 से मनाया जाता है। पेपर बैग एक ऐसा विषय है कि प्लास्टिक का पर्याय है। आज प्लास्टिक बैग सब जगह चल रही है, मगर इसको कैसे रोका जाए ये जताना जरूरी लगा, और इसलिए ये दिन मनाना चालू किया। एक्चुअली हमारे समाज के अंदर हम लोग इतना प्लास्टिक उपयोग करते हैं, क्या प्लास्टिक को रोकने के लिए पर्याय सब जगह पे सब चीजों में लाना जरूरी है। तो सबसे पहले ज्यादा प्लास्टिक यूज होता है, तो आप देख सकते हो कि पेपर बैग प्लास्टिक बैग पन्नियां चलती है। दूसरी चीज चाय के कप प्लास्टिक के थे, वो तो बैन कर दिए गए, वो धीरे 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 सब जगह से प्लास्टिक हटाने की मुहिम चल रही है, और इसके तहत ये दिन मनाना जाए। 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, इसको व्यास पूर्णिमा बोला जाता है। ऐसे तो वेद मुनि व्यास की जन्म दिवस के आधार पर यह दिन मनाया जाता है, मगर यह सब गुरुओं की पूजा होती है। गुरु यानी गुमनाम गुमराह, ये जीवन में से रूह की यानी आत्मा की परख कराने वाले गुरु, हमारे हरदम हर साथी गुरु होते हैं। हम जो एक मंत्र बोल हमेशा एक श्लोक बोलते हैं, वो गुरु के लिए एकदम बंदोबस्त है, और इस सीधा सटीक तोड़ता है कि गुरु क्या होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। इससे आगे हम बोलते हैं गुरु क्या है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। हमने किसी ने गोविंद को देखा नहीं है, तो गुरु को ही गोविंद मानो और उससे आगे बढ़ो, इससे राह मिलती है। एक अलग प्रकार का एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसे तत्व कि जो अपने परिवार से न होते हुए भी बाहर रह के अपने जीवन का पूरा ख्याल रखता है, हमारे हिताहित की बातें सोचता है, और इसको गुरु बोला जाता है। ये गुरु पूर्णिमा की सबको, सब हिंदुस्तान की प्रजा को
शुभकामनाएं। 15 तारीख को वर्ल्ड यूथ स्किल डे है, 2014 से मनाया जाता है यूथ स्किल। युवाओं के अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, वो छुपी हुई है, इसको कैसे बाहर निकाला जाए, ये प्रतिभाओं के अंदर कैसे प्रोत्साहित किया जाए, ये सब अभ्यास करने के लिए ये दिन मनाना शुरू किया है। 16 तारीख को संकष्टि चतुर्थी है। 17 तारीख को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2010 से मनाया जाता है। इंटरनेशनल जस्टिस क्या होता है? तो कई फ्रॉड ऐसे होते हैं, कई गुने ऐसे होते हैं, गुनाह है कि आप देखो पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों में इंटरनेशनल लेवल के फ्रॉड होते हैं। देखो इंडिया में रहता हुआ कोई लोग है कि या अमेरिका में रहता हुआ कोई लोग है, इंडिया वाला कोई कर जावे, या इंडिया वाला का लोग का कोई अमेरिका वाला, जापान वाला, कोई बाहर के देश वाला फ्रॉड कर जावे, या अपना यहाँ कोई आरोपी यहाँ बहुत बड़ा घपला करके परदेश भाग जावे, ये सब मामलों के अंदर जागरूकता लाने के लिए और ये सब मामलों कैसे इसको निपटाया जाए, कैसे जल्द से जल्द निपटाया जाए, ये इंटरनेशनल लेवल पे सोचा जाता है। कई जगह पे कैदियों को कैद, हमारे युद्ध के जवानों को कैद किया जाता है, आप पाकिस्तान के अंदर एक दो केस अभी चल रहे हैं और उसका केस यूनो में चलता है, ये इंटरनेशनल जस्टिस का काम है। ये चैनल आप तक ऐसी रोचक बातें लाती है, आपको विनती है आप इससे जुड़िए, इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद में बाजू में एक घंटी को दबा दीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आप सबके जीवन में धन्यता बने रहे, आप सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामना, शुरू हुए चतुर्मास के अंदर आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।